दोस्तों आज तक आपने मेट्रो में सफ़र किया होगा, ट्रेनों में सफ़र किया होगा, यहाँ तक कि आपने बुलेट ट्रेन का नाम भी सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन बनने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, कनाडा के टोरंटो में अब दुनिया की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन बनने जा रही है। ये ट्रेन इतनी फास्ट होगी कि बुलेट ट्रेन से 3 गुना ज़्यादा और एयरक्राफ्ट से भी फास्ट होगी दोस्तों। ऑलरेडी इसका एक फेज़ कम्प्लीट हो चुका है, अब काम चालू है फेज़ 2 पे। और इसकी जो स्पीड होगी दोस्तों वो है पर आवर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और एट अ टाइम एक पॉड में 27 से 40 लोग ट्रैवल कर पाएंगे और एक घंटे में 1200 लोग ट्रैवल कर पाएंगे, और वो भी अलग अलग डायरेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो स्टेशन डिस्टेंस डिफरेंस है दोस्तों वो है 10 किलोमीटर का। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये दुनिया की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन होगी। इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पे चलने वाली ये ट्रेन बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली है दोस्तों। इस पर 1 बिलियन खर्चा किया गया है, और इससे जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह होगी तो इससे देश का GDP भी बढ़ जाएगा दोस्तों। कंपनी के अनुसार अभी इसका काम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में चल रहा है। तो सबसे पहले ये जो ट्रेन लॉन्च होगी तो इन्हीं देश में होगी, बाद में फिर अपने देश में भी शायद आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगा। इस ट्रेन को बनाने वाली जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट, उसके CEO सेबेस्टियन जॉर्डन, उन्होंने कहा है कि इससे आम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन टाइम सेविंग भी है और हाई स्पीड भी है, तो लोगों का काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इसे बनाया कैसे जाएगा दोस्तों? तो इसे अंडरग्राउंड पे बनाया जा सकता है या फिर ग्राउंड के ऊपर भी बनाया जा सकता है, ये दोनों तरीके में काम आता है दोस्तों। और इसकी जो कंसेप्ट है दोस्तों वो है हाइपरलूप पे ये ट्रेन चलने वाली है।